इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है न्यूक्लियस, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 9। इस डायग्राम की हेल्प से हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये देखिए कि न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, तो ये डबल मेम्ब्रेन यहाँ बहुत अच्छी दिखाई हुई है इस डायग्राम में। यह आउटर मेम्ब्रेन है और यह इनर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और यह मेम्ब्रेन के अंदर यह यहाँ पर यह देखिए एक डेंस फ्लूइड फील्ड होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और यह न्यूक्लियोप्लाज्म में ये आप ब्लू कलर के ये थ्रेड्स देख रहे हैं, यह क्रोमेटिन के थ्रेड्स हैं जो डीएनए के बने होते हैं। और एक रीजन और आप ये डेंस देख रहे हैं, ये गोला ये जो है ये सर्कल जैसा, ये स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इनकी संख्या उस पर्टिकुलर सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। जो सेल्स ज़्यादा एक्टिव होती हैं उनमें न्यूक्लियोलस ज़्यादा डेवलप होता है और एक से ज़्यादा भी पाया जा सकता है। और जो कम एक्टिव सेल्स होती हैं उनका न्यूक्लियोलस छोटा भी हो सकता है और नंबर में केवल एक भी हो सकता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोलस का, जब हम फंक्शन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ज़्यादा एक्टिव सेल्स में न्यूक्लियोलस बड़ा क्यों होता है और उनका नंबर क्यों ज़्यादा होता है। और यहाँ पर एक और बात अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि यह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर यह देखिए ये पोर दिखाए हुए हैं, इन मेम्ब्रेन पर ये पोर्स हैं और इनको हम न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं। और इन पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर आपको हम रिकॉल करवाएं तो डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, और तो डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। तो जो एमआरएनए है वह, और प्रोटीन सिंथेसिस होती है साइटोप्लाज्म में, तो जो भी एमआरएनए यहाँ पर सिंथेसाइज होगा वह इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में आएगा और अब वह साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। उसी तरह से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और दे दें, यहाँ पर ये हम राइबोसोम्स दिखाए हुए हैं हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे अटैच्ड, तो यह राइबोसोम्स भी न्यूक्लियोलस में बनते हैं, आगे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो यह न्यूक्लियोलस जो होता है इस रीजन में राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, और राइबोसोम्स भी प्रोटीन सिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो राइबोसोम बने न्यूक्लियस में लेकिन इनका रोल है साइटोप्लाज्म में, तो यह राइबोसोम्स भी इन्हीं न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएंगे। और साइटोप्लाज्म को बहुत तरह के रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं इतनी सारी सिंथेसिस के लिए, तो वह रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म। तो वह सारा रॉ मटेरियल इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस में एंटर करता है। तो इस तरह से इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बहुत सारा एक्सचेंज होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। और यहाँ पर एक और पॉइंट हम अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, बहुत अच्छा इस डायग्राम में वो पॉइंट दिखाई दे रहा है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर भी यह पॉइंट हमने बताया था अपने स्टूडेंट्स को कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोजली एसोसिएटेड होता है न्यूक्लियस से, और वह उसके ये जो ट्यूब्यूल्स होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, वह डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। तो वह यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यह पॉइंट बहुत अच्छी तरह से इस बात को दर्शा रहा है। न्यूक्लियस से रिलेटेड जो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं वह सभी यहाँ हमने मेंशन किए हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक पॉइंट हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करना चाहेंगे कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो मैच्योरिटी पर जिनका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होती हैं वैसे वैसे उनका जो न्यूक्लियस है वह डिसअपियर हो जाता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे केस में, जो मैमेलियन जो आरबीसी होती हैं उनके केस में न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है
जब ये मैच्योर होती हैं। तो जब आरबीसी मैच्योर होती हैं तो इनके अंदर के लगभग सभी ऑर्गेनेल्स ख़त्म हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। यह एक तरह का अडाप्टेशन है ताकि आरबीसी ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट कर सके। और यहाँ पे एक और हमने एग्जांपल दिया है, जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं तो उनका जो सीव ट्यूब सेल्स होती हैं, जो फ्लोइंग का एक पार्ट है सीव ट्यूब सेल्स, तो जैसे जैसे ये मैच्योर होती हैं तो इनकी मैच्योरिटी के साथ साथ इनका न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। न्यूक्लियोलस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो डायग्राम में हमने देखा था एक स्फेरिकल कलर का एक डार्क शेड हमने दिखाया था न्यूक्लियस के अंदर, जिसे हमने न्यूक्लियोलस टर्म दिया था। और यह न्यूक्लियोलस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है और आरएनए और प्रोटीन से भरा हुआ होता है ये। और यह राइबोसोम फॉर्मेशन की साइट है। राइबोसोम्स जो होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, वह न्यूक्लियोलस से बनकर ही आते हैं साइटोप्लाज्म में, जहां पर यह प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेंगे। तो जो प्रोटीन्स होते हैं, जो सेल जितनी ज़्यादा एक्टिव होगी उसमें उतनी ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो इस वजह से जो सेल्स एक्टिव होती हैं उनके न्यूक्लियोलस बड़े भी होते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ एक और बात अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये जो न्यूक्लियोलस, ये जो टर्म है यह सिंगुलर है, और न्यूक्लियोलाई यह टर्म प्लूरल है। हमने न्यूक्लियोलस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे, जिन्हें हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं, और यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेनली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्रोमोसोम से इन्हीं से बनते हैं। सेल डिवीजन से पहले जो क्रोमोसोम्स बनते हैं वह क्रोमैटिन मटेरियल के कंडेंसेशन से ही बनते हैं। क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर है और हिस्टोन प्रोटीन्स क्या हैं, यह सभी बातें हम जब सेल डिवीजन वाला चैप्टर हम जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर यह सभी बातें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। कभी कभी एनिमल सेल्स जो होती हैं उनके जो बीच के दो सेल्स के बीच के जो सेल मेम्ब्रेन के पार्टीशन होते हैं वह डिसॉल्व हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट वह टिश्यू एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर अपीयर होता है। तो इस तरह से जब एक स्ट्रक्चर बनके तैयार होता है तो उसे हम सिंसाइशियम कहते हैं, और एनिमल टिश्यू में जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो उसे सिंसाइशियम कहते हैं। और यहाँ पर हमने स्केलेटल मसल का ये डायग्राम दिखाया हुआ है। स्केलेटल मसल में इस तरह के सिंसाइशियन हमें देखने को मिलते हैं। किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह टर्म इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है कि जो मल्टी न्यूक्लियर अगर कोई हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उसे हम सिंसाइशियम कहेंगे। और इसी तरह के मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जब हमें प्लांट या फंजाई में देखने को मिलते हैं तो उन्हें हम सीनोसाइट कहते हैं। तो एनिमल के केस में, एनिमल टिश्यू के केस में इसे हम सिंसाइशियम कहते हैं, प्लांट और फंगल और जो टिश्यू होता है उसके केस में सेम मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स को हम सीनोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमने एक फंजाई की एक लाइफ साइकिल दिखाई है, तो इसे तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले नहीं हैं। जब हम फंजाई डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये डायग्राम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम बताना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि फंगल, ये जो हम साइकिल दिखाई है उनमें से इस लाइफ साइकिल में एक स्टेज ऐसी आती है कि जो फंजाई होती है वह एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती है और इसे हम सीनोसाइट कहते हैं। और ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये देखिए, इसमें हमने प्लाज्मोडियम यहाँ पर मेंशन किया है। तो अपने स्टूडेंट्स को याद दिलवाना चाहते हैं कि प्लाज्मोडियम, यह टर्म आपने ज़रूर सुना होगा, जो मलेरियल पैरासाइट होता है उसे भी हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। लेकिन जब हम मलेरियल पैरासाइट की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम जब वहाँ हम लिखेंगे तो उसे, उसका जो पी होगा वह हमेशा कैपिटल होगा, और उसे हम हाथ से जब लिखेंगे तो उसे हम अंडरलाइन भी हमेशा करेंगे। तो लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरियल पैरासाइट नहीं है, यह एक मल्टी सेलुलर स्टेज है जो हमें फंगल लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है और इसे भी हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, इन टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, और ख़ासतौर से इस तरह की इंफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं इंटरव्यूज़ में।
जनरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी देखे गए हैं जिनके पास दो न्यूक्लियाई होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बाई न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पैरामीशियम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और उसी का डायग्राम हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इसमें दो तरह के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, एक बड़ा होता है साइज में जिसे हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और एक छोटा होता है जिसे हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है यह इस ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है यह रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो जब इस तरह के न्यूक्लियस, दो तरह के डिफरेंट न्यूक्लियस अगर किसी इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को, इस फिनोमिनन को हम न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो यह इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम की हेल्प से जो बातें अभी हमने डिस्कस की हैं वह सभी बातें यहाँ हमने पॉइंट्स में मेंशन की हैं, इन्हें आप अपने नोट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वह यूकैरियोटिक सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके इंटरव्यू के बहुत अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं।